सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 10 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 4.5% के करीबन की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 223 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक लगभग 3 टाइम्स स्टॉक ने 200 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही थी और स्टॉक जब तक 200 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दिया था, स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही थी। और स्टॉक ने तो बीच में 158 रुपीज तक के प्राइस को रिटेस्ट किया था जब बाजार में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी। अब यहां से स्टॉक के अंदर देखें तो एक वन वे तेजी बनती हुई नजर आ रही है और स्टॉक का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है वो 200 पे बन चुका है। यानी स्टॉक जब तक 200 रुपीज से ऊपर है, स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऊपर के टारगेट अभी अचीव नहीं किए जा सकते, यानी नहीं बताया जा सकता कि स्टॉक कहां तक रैली दिखा सकता है एक वन वे, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजिशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 213 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें। ऊपर के टारगेट अराउंड 235 रुपीज और सेकंड टारगेट 250 रुपीज, ये दो बड़े टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि इस स्टॉक में देखें तो जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उन्हें स्टॉक के अंदर एक अच्छा रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।